वालेकुम सलाम। वाह, क्या आपने एक उसमें इन सिंको के यूनियन में वालेकुम सलाम बोला है, वेरी नाइस। थैंक यू। क्या प्लान था ये? नहीं, यू आर द फर्स्ट वन ना। एनर्जी है। या वी आर लाइक, तो चलें वो टिपिकल सवाल जो सब पूछेंगे भी और सब एक्सपेक्ट भी करें, रज़िया क्यों है इस ड्रामे का नाम, आयशा क्यों नहीं है, महमूदा क्यों नहीं है, या इस तरह का और कोई टिपिकल नाम क्यों नहीं है? जी, कोशिश की है कि जो नॉर्म्स हैं या जो डबल स्टैंडर्ड हैं या जिस तरह जो सेइंग्स हैं उनको बदला जाए। ओके। अच्छे में। तो हमने हमेशा से सुना था रज़िया फंस गई गुंडों में, फॉर द फर्स्ट टाइम शायद ऐसा हो जाए कि गुंडे फंस जाएं रज़िया में। एंड आई, ये एक ये वही है उसके नाम के साथ एक जो मुझे लगता है, देन इट्स साउंड गुड। ओके, ही इज बीइंग ऑनेस्ट, साउंड गुड। अच्छा, एंड फंस गई गुंडों में शुड बी चेंज। तो मतलब आगे हम काफी कुछ थ्रिलिंग चीजें देख सकते हैं जो आपकी स्टेटमेंट है कि क्या पता गुंडे ही फंस जाए रज़िया के जाल में या रज़िया में। रज़िया तो नहीं फंसती, रज़िया नहीं, चलें, दैट्स गुड, दिस इज गिविंग अस होप। रज़िया फंसनी भी नहीं चाहिए, फंसनी भी नहीं चाहिए, या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो स्क्रिप्ट में ऐसा क्या था मायरा कि आप इतने अरसे बाद टीवी पे आ रही और आपने इस स्क्रिप्ट को चूज किया? वेल, आपने पहली एपिसोड देखी? जी, मैंने देखी। आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी, एंड आई एक्चुअली हैव टू थैंक दिस वन। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग आई एम श्योर कनेक्ट करना चाह रहे होंगे मुझसे, मगर मे बी आई एम लिल डिफिकल्ट टू गेट इन टच, और मे बी आई एम जस्ट लेजी, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मोमल वाज लाइक, पता नहीं एडमंट कि मेरे घर आई थी, कुछ हो रहा था। हुआ ये था कि मैं आई मोहसिन सर और हिना से मिलने, एंड उन्होंने, मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी है। यूजली क्या होता है, एक वन लाइनर बताते हैं और हमें स्क्रिप्ट दे के थद्दा घर भेज देते हैं कि पढ़े जाके। इन्होंने कहा नहीं, अच्छा मुझे बेटे को पिक करना था फुटबॉल से। अब मैंने कहा बस आधा घंटा है, जो भी आपने करना है। शुरुआत की, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा दादाजी आप पिक कर लीजिएगा, एंड ही ओके, पूरी इन्होंने कहानी सुनाई, एंड आई वाज स्टक। खैर, मैंने इनको बोला नरेटर तो मैं नहीं हूँ, रज़िया मैं हो नहीं सकती, यकीन नहीं, आई सेड यकीनन मैं माई हूँ। अच्छा, आई सेड इट। अच्छा, तो वो क्योंकि उन्होंने बोलते एक ट्विस्ट है ना, मैंने पूरी नरेट करने के बाद मैंने इनसे कहा कि अच्छा अब एक ट्विस्ट है इस सब में सुनाने के बाद, तो उन्होंने कहा कोई ट्विस्ट नहीं है, नरेटर में हो नहीं सकती, नरेटर में हो नहीं रज़िया में हो नहीं सकती, तो मुझे पता है मैं माँ हूँ। सो इंस्टेंटली मैंने सोचा दिस नरेटर हैज़ टू बी माहिरा, एंड मैंने बोला आपने अप्रोच किया है, आप क्या क्या आप लोगों के हैं ना, और मोहसिन सर ने मुझे बताया कि बेसिकली माई पॉइंट वॉज के अब एक तो एक्सेसिबल नहीं है उस वक्त, तो मुझे तो नहीं पता था क्यों ये सवाल आया। दूसरा, एक मेरी शर्त थी विद हेना भी द प्रोड्यूसर कि मैं स्क्रिप्ट नहीं भेजूंगा किसी को, आई नीड अ नरेशन। ओके, क्योंकि मैं ना वन लाइनर में इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना वो। तो मोमल सेड गिव मी वन डे। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट डे शी सेड के मोहसिन भाई आप जाएं, डेढ़ घंटा है ये टाइम है, और फिर वो डेढ़ घंटा साढ़े चार घंटे हुआ। ओह वाओ, ओके। एंड देन रज़िया को उसकी वॉइस मिल गई। आई थिंक दैट देन एंड देयर आई सेड यस। आई वाज लाइक, अब ये किस तरह होगा, क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे करना है, करना है। और फिर मुझे डर भी था, मैंने पूछा भी था, मैंने कहा भाई मैं ये कैसे, क्यों डर क्यों लग रहा था? वेल, आई जस्ट थिंक कि एक तो इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स और इतनी सारी बातें, अभी तो पहला एपिसोड है, आप देखिएगा कि क्या क्या नहीं कहती। शी टेक्स द मेन एंड सम वुमेन टू द क्लीनर्स। ओके, हाँ, इट्स लाइक आप कुछ नहीं छोड़ेगी ये। तो दोनों साइड से डर लग रहा था। सो डर मुझे वैसे उस तरह नहीं लगता, लेकिन आई वाज लाइक मे बी शायद आपको कोई और, किसी और की आवाज चाहिए, मे बी समवन मोस्ट समवन दिस। फिर मोहसिन ने कहा नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। सो आई सेड यू नो व्हाट, मे बी दिस इज गॉड सेंट, मे बी आई नीड टू डू दिस। अब चाहे ये 10 लोग देखें, 100 लोग देखें, और अल्लाह करे बहुत सारे लोग देखें, पूरी दुनिया देखे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं विच आई थॉट कि अगर ये मेरे मुंह से आए तो क्या ही बात होगी। सो आई हैव टू थैंक मोमल फॉर
doing no, that. No, and I trust her. So when she said, ये देखो तुम बस एक meeting ले, I said okay fine. मैंने फिर सहर उस वक्त सहर थी या मैंने कहा तुम कोई तुम्हें message कर रहा है या नहीं? हाँ, there is someone express. मैंने कहा I want a meeting now. Okay. So we met. ये हमारे मेरे घर आए. कौन सा कोई पार्ट था जहाँ बोलने में डायलॉग्स में डिलीवरी में अटक रही थी आप? क्योंकि वही आपकी बात में वही देख रही थी, बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स हैं स्क्रिप्ट में और कॉम्प्लिकेटेड हैं. इट्स नॉट इजी. यू हैव टू मेक श्योर कि आप वही चीज इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं बोल सकती ना. नहीं, यू हैव टू, बिकॉज़ वो जिस तरह लिखा बिल्कुल, जो मैंने सुना है वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. और देखिए रजिया जो है वो आपको पता है ना किस पे बेस्ड है? नो, याद नहीं आ रहा मुझे. इन पे जी. ओके, ये रजिया है. ओह अच्छा, जिस तरह ये बात रजिया करती है, तब से बड़ा है इंटेलेक्चुअली सोच रही है. नहीं, ये इसका जवाब क्या होगा? नॉट टू अंडरमाइन यू, बट यू नो कोई मेबी देयर इज अ पर्सन दैट आई हैव मिस्ड. दिस इज रजिया. इवन द वे आई टॉक इन इट, यस, ये मैंने पूरा इनको इनको शायद पता है या नहीं पता, नहीं, लेकिन मैं इनको देख के ही सारा करती थी. अबे कौन सी मीरा, ये है. आई हैव नॉट सीन हिम लाइक दैट, सो आई डोंट नो. ओह, यू डोंट नो? नो, बट वी ये इन सब बातों की जगह वी रिहर्स फॉर 10 डेज. वी हैव, अच्छी बात ये थी वह बहुत एक तो लिखा हुआ था, हमने चेंजेस भी किए उसमें फिर थोड़े से बहुत. दूसरा हाँ. एक था कि उन रिहर्सल से हमें एटलीस्ट एक चीज आइडिया हो गया था, वो मेमोराइजेशन के लिए नहीं थी. हर मोनोलॉग की थॉट क्लियर हो गई थी हम क्या अचीव करने जा रहे हैं. सो वो फिर शूटिंग में हमारे लिए आसान था. okay. क्योंकि वो मेमोरी, क्योंकि होना तो कट्स में, बट अगर थॉट क्लियर है तो फिर. और कुछ जगहों में तो तकलीफ भी होती थी कि अब कट क्यों कट किया? हाँ, ये जाने दें. बिकॉज इनफैक्ट एक तो मैंने कहा था, मैंने कहा ये अगर हो गया ना, ये पूरा का पूरा, एंड इट्स अ लॉन्ग वन. अभी आएगा वो? आएगा. ओके, दैट आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट. यू प्रोबब्ली हैवंट. नो, आई हैव. वो जो है ना, वो आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट सीन. सो इसमें एज यू सेड टॉक्सिक हीरो नहीं है, सास नहीं है, और वो हाई हाई करती हुई हीरोइन नहीं है, और ना वो अफेयर्स हैं इसमें. और बहुत सी इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और थोड़ी सी यू नो रियलिटी चेक वाली बातें हैं. तो क्या ये आप लोगों की एफर्ट है टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री, टू क्रिएट कंटेंट विच इज़ क्वालिटी, विच इज़ थॉट प्रोवोकिंग, विच जिसके ऊपर कंसर्न भी था कि शायद लोगों को लगे ये बहुत प्रीची हो रहा है. अभी अगर आप पहले एपिसोड के बाद जाके यूट्यूब पे कमेंट्स और जनरली देखें तो मिक्स्ड ओपिनियंस हैं. सम पीपल आर लविंग इट, सम पीपल डिड फाइंड इट अ लिटिल प्रीची. सो ये आप लोगों को कंसर्न था, और फिर भी आप लोगों ने सोचा कि नो, वी आर गोइंग अहेड विद इट बिकॉज दिस इज हाउ वी विल चेंज द कंटेंट. सो आई डोंट नो इफ पीपल फाउंड इट प्रीची. आई ऑल्सो सॉ सम कमेंट्स एंड स्टफ. व्हाट आई रेड वॉज, आई यूजली डोंट सी कॉमेंट्स, बट दिस इज समथिंग आई वॉन्टेड टू सी कि क्या कह रहे हैं. And mostly, alhamdulillah, people loved it. But there were some people who didn't find it preachy. I felt that they were saying ke ye to nahi hota. Okay. Ye to nahi hota. Achha, ab baat ye hai ke agar aap, all jokes aside, ye razia nahi hai obviously. Agar hum ek razia lete hain, to haan, ye sach hai ke ek aurat ke saath shayad ye sab kuch nahi hota zindagi mein. Right? Kisi ka कि अब्बा बहुत अच्छे होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनको. किसी का मियाँ ख़राब होता है, किसी की सास बोलती है कि बेटा क्यों नहीं हुआ. शायद किसी की सास बहुत अच्छी होती है लेकिन मियाँ कुछ हो, यू नो, शायद शी हैज़ एवरीथिंग, देन शी गोज़ इनटू द वर्क्स, इन हर वर्क स्पेस. वो काम करने बाहर निकलती है और वहाँ उसका बॉस जो है उसके साथ उसको अब्यूज़ करता है, हरास करता है. सो हमने एटलीस्ट, आई एम सॉरी आई एम स्पीकिंग फॉर यू, यस, लेकिन यस, यू सी, रजिया सेड यस, आई विल टेक यस. सो हमने एक, या तो हम एक चीज को पकड़ लें, हरासमेंट.